तो ये क्वेश्चन सामने, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1, एन इक्वेशन ऑफ ए कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला एंड इलिप्स इज दिस। आपको कॉमन टेंजेंट निकालनी है जो पैराबोला और इलिप्स दोनों को टच करे, ठीक है। पैराबोला और एलिप्स दोनों को टच करने वाली टेंजेंट काफी पॉपुलर और फेमस है, तो एक और भी क्वेश्चन, एक दो और भी होंगे इस तरह के। ऐसे केस में क्या करते हैं, पैराबोला की टेंजेंट लिख के और एलिप्स को टच करा देते हैं, एलिप्स के साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं। तो पैराबोला की टेंजेंट मैं आपको बता, ये तो स्टेटमेंट नंबर 1 में था। स्टेटमेंट नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है। इफ दिस लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला एंड एलिप्स, ये पैराबोला वही वाला पैराबोला, एलिप्स भी वही है, देन एम सेटिस्फाइज द इक्वेशन। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको क्या करना है, कॉमन टेंजेंट पता लगानी, किसकी, पैराबोला की और इलिप्स की। और कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चन में पैराबोला की टेंजेंट निकालना है और इलिप्स के साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करनी, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16√3x इन्होंने दे रखा है। बेटा एक बार फिर से कंफर्म करना, अभी वॉइस अब तक क्रैक तो नहीं हो रही है, ठीक नो सिर्फ क्लियर है। है बेटा। तो ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16√3x कैन बी कंपेयर्ड विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उससे आपको ए की वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू 4√3 बैठती है, ये ए की वैल्यू आ गई। अच्छा, पैराबोला की टेंजेंट स्लोप फॉर्म में, टेंजेंटें कई होती हैं जो स्लोप फॉर्म में एज्यूम करते हैं कॉमन टेंजेंट के लिए, वो होती है mx + a/m। आपके आपको नोट्स भी दिए, उनमें भी लिख के दी हुई है। अच्छा, टेंजेंट टू पैराबोला स्लोप फॉर्म वाली। एक और होती है y/y1 = 4a × x + x1/2, वो टेंजेंट एट x1 y1 के काम आती है। और ये टेंजेंट कैसी है, जनरल टेंजेंट है स्लोप फॉर्म में। तो ये ए की वैल्यू अगर पुट कर दो तो ये पैराबोला को टच कर जाएगी, ये पैराबोला को टच कर गई बिल्कुल बिना किसी शर्त के, ये पैराबोला की टेंजेंट हो गई। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी ये टेंजेंट बन गई है इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या चाहिए था, कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला एंड इलिप्स। पैराबोला की ये टेंजेंट है, अब ये एलिप्स को भी टच करती है, तो फिर एलिप्स के साथ इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे। तो एलिप्स इसमें ये दिया हुआ है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। एलिप्स इज दिस, ये इसमें 4 का डिवीजन करते हुए एलिप्स को रिपेयर करें, सही करें, y² / 4 = 1। इलिप्स को पहले सही करना पड़ेगा, उसके बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगेगी, y² / 4 = 1। ये इलिप्स है और इस इलिप्स की वो टेंजेंट है, ठीक। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम आपको बताते हैं। इक्वेशन नंबर 2 और थोड़ा सा रीराइट कर देता हूं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए mx - y + 4√3/m = 0। मतलब उसमें राइट साइड में 0 होना चाहिए, रिमेनिंग एवरीथिंग लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। और इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1। हालांकि x² के नीचे स्मॉलर नंबर है, तो जब पॉजिटिव
पार्ट्स ऑफ एलिप्स की बात होगी, कंपोनेंट ऑफ एलिप्स की, तब तो ये एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वन। अगर आपको कंपोनेंट निकालने, फोकस निकालना, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, लेकिन ये टेंजेंसी जो है वो दोनों की सेम है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो कोई लाइन है वो इसे टच करती है, कौन सी लाइन, लाइन में लिखता हूं, एलएक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो टचेज दिस एलिप्स इफ एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। ऐसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपके नोट्स में बहुत सारी लिखी हुई है, पैराबोला की है, एलिप्स की है, हाइपरबोला की है, नोट्स बिगिनिंग में देखना नोट्स में, तो उनमें से ये एक है। तो इसमें ए ग्रेटर देन बी हो, ए लेस देन बी हो, दोनों में चलता है। अच्छा, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, सब में चलता है। तो इसमें आपको इलिप्स जैसे एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वन रीड करते हैं प्लस वन में, यहां भी रीड करते हैं लेकिन कंपोनेंट के लिए रीड करते हैं। कंपोनेंट्स मतलब इसके फोकस निकालना हो, डायरेक्ट्रिक्स निकालनी हो, पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए इसे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन ही रीड करना है। तो एन की वैल्यू बैठ रही है फोर रूट थ्री बाय एम, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में अप्लाई करने लग गए। ए स्क्वायर की वैल्यू टू, एल स्क्वायर की वैल्यू, एल की वैल्यू एम, तो ये एम स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर की वैल्यू फोर, एम स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर, एम की वैल्यू माइनस वन, तो 48 बाय एम स्क्वायर इज 2m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 इक्वल टू 2m टू द पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर, 2 का डिवीजन कर दो, तो m टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, 6 4 24, एम फोर 6m² माइनस 4m² माइनस 24 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 6 0, एम स्क्वायर प्लस 6 आउट, एम स्क्वायर माइनस 4, आइदर दिस 0 और एम स्क्वायर माइनस 4 इज 0। एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस 6 तो हो नहीं सकती, रिजेक्टेड, एम स्क्वायर कैनॉट बी नेगेटिव, तो एम स्क्वायर की वैल्यू आई 4, तो वैल्यू ऑफ एम प्लस माइनस 2, एम की वैल्यू आ गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाने से, एम की वैल्यू 2 आ गई। ये एम की वैल्यू आप यहां लिख दो इक्वेशन नंबर 2 में जाके, देखो ये टेंजेंट थी, तो ये टेंजेंट आपकी कॉमन टेंजेंट तैयार होगी, पैराबोला को ये टच कर रही थी इक्वेशन 2, अब ये एलिप्स को भी टच करने लग गई विद एम इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो 2 में अगर पुट करोगे तो ये कॉमन टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हम यहीं पर लिख के और फिर आगे चलता हूं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 रूट 3 बाय एम, इक्वेशन नंबर 2 को रिकॉल किया, एम की वैल्यू 2 और माइनस 2, वैसे तो आपको अकेले 2 की जरूरत है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है जो अभी स्टेटमेंट आपको रीड कराऊंगा, तो 2x प्लस 4 रूट 3 बाय 2, y इक्वल टू 2x प्लस 2 रूट 3, वैसे प्लस माइनस अगर लगाते ना
तो ये लो प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, ऐसे डबल आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। अब स्टेटमेंट रीड करते हैं, देखना। पहली स्टेटमेंट थी एन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला एंड इलिप्स इज दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट ये है, तो आपकी फाइंडिंग है कि यस y इक्वल टू टू एक्स प्लस टू रूट थ्री, यही क्वेश्चन भी कह रहा है। दो टेंजेंट है तो एक ये है, तो क्वेश्चन कह रहा है एन इक्वेशन, वन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस, ये कॉमन टेंजेंट है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू निकल गई, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब बात आई स्टेटमेंट टू, इफ दिस लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला एंड एलिप्स देन एम सेटिस्फाइड। पैराबोला वही है, एलिप्स वही है, और ये जो लाइन लिख रखी ना इसने, ये वाली लाइन, यही लाइन इक्वेशन नंबर टू में दिख रही है आपको, देखो बिल्कुल इक्वेशन नंबर टू। तो ये कहते हैं दिस लाइन इज कॉमन टेंजेंट, यस दिस लाइन इज कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट की है आपने, और अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो देन दिस सेटिस्फाइज, एम सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपके रास्ते में आई थी कैलकुलेशन करते टाइम, यहां देखिए स्टार नंबर में आई थी, तो एम रियली सेटिस्फाइज दैट इक्वेशन। इफ द लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला एंड इलिप्स देन एम सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, और ये भी ट्रू स्टेटमेंट है जो हमने, हमारी फाइंडिंग है उसमें देखा तो उसमें ये भी ट्रू है, दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जो वहां ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, तो बोथ ट्रू वाला ऑप्शन हमने एक्सरसाइज करना है। बेटे कहीं डाउट हो वहां पूछ लो, और भी कुछ पूछना हो। नो सर, क्लियर। हाँ अभी और आगे थोड़ा सा खुद कर लेना, दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आ जाएगा, बाकी फिर दिक्कत हो गई तो पूछोगे तो और बताऊंगा। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बहुत डिटेल में बताया तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, वो तो होते ही हैं, कंपटीशन के क्वेश्चन है, कुछ कुछ इनमें कुछ न कुछ होता ही है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का, द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस क्वेश्चन में आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। सर्कल कैसा है, पास थ्रू फोकस ऑफ एलिप्स। मैं शॉर्टकट में यहां एक छोटा सा सर्कल बना देता हूं, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सर्कल पास थ्रू फोकाई ऑफ एलिप्स, इस एलिप्स की दोनों फोकस से पास होता है, तो फोकस यहां पे पता लगानी पड़ेगी, दोनों फोकस से पास होता है एलिप्स आपका, एक ये फोकस एक कहीं यहां होगी, दोनों फोकस से पास होता है। एंड हैविंग सेंटर एट 0 3, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 3, सेंटर एट 0 3, एंड पास थ्रू बोथ फोकस, बोथ फोकस डैश डबल लग गया, दोनों फोकस से पास होता है और सेंटर 0 3। आपको एक फोकस भी पता लगा लो तो CF क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, तो सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू फोकाई ऑफ एलिप्स, आपका मेजर वर्क है कि एलिप्स की फोकस निकालो, जब फोकस निकाल लो तब जरूर देखना यहां एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर ग्रेटर है, ये हॉरिजॉन्टल फर्स्ट एलिप्स है, वो चीज यहां पे देखनी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर क्या है, ए स्क्वायर अपना 16 है और बी स्क्वायर की वैल्यू स्टैंडर्ड नोटेशन में 9 है, और एक ई गिविंग इक्वेशन आपको याद है बेटा, ई इक्वेशन एलिप्स की ई इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। गुड, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 16 1 माइनस ई स्क्वायर, सो 9 बाय
16 इज 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर को लेफ्ट में ले आइए, 1 माइनस 9 बाय 16 इट इज 7 बाय 16, सो वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर रूट 7 बाय 4, ई इज ऑलवेज पॉजिटिव, ई नेगेटिव कभी नहीं लेना। तो फोकस प्लस माइनस ए जीरो होते हैं, फोकाई बाई फार्मूला प्लस माइनस ए ई जीरो, ए की वैल्यू 4 है यहां पर, तो प्लस माइनस 4, ई की वैल्यू अभी निकाली है आपने रूट 7 बाय 4 जीरो, दैट मीन्स इट इज प्लस माइनस रूट 7 जीरो, कोई एक भी फोकस यहां कॉपी कर दो, स्क्वायर रूट 7 कॉमा 0, तो ये सीएफ विल वर्क लाइक रेडियस, दोनों फोकस का आपको जरूर, दोनों दूसरा लिख सकते हो, एक ही एनफ है हमारे लिए, सेंटर इज गिवन बाय द क्वेश्चन। तो सी एफ ऑफ दिस फिगर इज स्क्वायर रूट रूट 7 माइनस 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, 9 और 7 16 का स्क्वायर रूट, रेडियस 4 आ गई है, सर्कल की रेडियस ये चीज 4 आ चुकी है ये, और सर्कल की इक्वेशन रही ये एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाय माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, एच की वैल्यू 0 ली जाएगी यहाँ एच, और के की वैल्यू 3 ली जाएगी, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर बाय माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस 4 आई हुई है तो 16। अब आंसर आपके इस तरह लिखे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो इसे सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा, बस एक लाइन सिंप्लीफाई लगा दो, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 6 बाय प्लस 9 माइनस 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर, इनमें देख लो ए बी सी डी में कोई ऑप्शन, माइनस 6 बाई माइनस 7 ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन आपकी राइट, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 6 बाय माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटे देखो डाउट पूछो। नो सर नो डाउट। ओके सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है 2013 का, अभी आज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था पहले वाला उसी टाइप का है, इसमें ए सर्कल एंड पैराबोला गिवन, गिवन स्टेटमेंट 1 एन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दीज कर्व्स, पिछले वाले में ना इलिप्स और इलिप्स और पैराबोला दिया हुआ था, इसमें सर्कल और सर्कल इज नथिंग बट इलिप्स विद बी इक्वल टू ए, सर्कल और इलिप्स में ज्यादा फर्क नहीं है, बी और ए इक्वल होती है सर्कल बन जाता है, तो फाइव आप टू का इसमें डिवीजन लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2, और 5/2 का नीचे डिवीजन तो ये इलिप्स बन जाएगा, इलिप्स वाली कंडीशन आप टेंजेंसी सर्कल में भी लगती है, ठीक है, हाँ सर्कल की अपनी कंडीशन आप टेंजेंसी भी होती है। अभी आपको क्या करना है, पैराबोला का टेंजेंट लिखना है और सर्कल को टच करा दो, पैराबोला की टेंजेंट और सर्कल को टच करा दो, सर्कल टच कराने के दो तीन रास्ते हैं, और तरीका भी है सब बताऊंगा आपको, तो पैराबोला की टेंजेंट लिखते हैं, पैराबोला को आप बाय स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करिए, और कॉमन टेंजेंट मांगी एन इक्वेशन कॉमन टेंजेंट टू दी कर्व्स इज दिस, और फिर लिखा इफ दिस लाइन इज देयर कॉमन टेंजेंट देन एम सेटिस्फाइड, ये सेम क्वेश्चन है रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज, केवल यहां सर्कल दिया हुआ है एलिप्स की जगह पर, अदरवाइज सेम क्वेश्चन है, तो ठीक है 4a की वैल्यू 4√5, तो a यहां पर रूट 5 आ गया, ए जो है वो स्क्वायर रूट 5 है पैराबोला का, रूट 5 ऑफ पैराबोला, पैराबोला का ए, तो पैराबोला की टेंजेंट हमें याद है टेंजेंट टू पैराबोला, पैराबोला की टेंजेंट और सर्कल को टच करा दो, टेंजेंट टू पैराबोला हुई बाय इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, याद करके रखो इसको बहुत यूजफुल टेंजेंट है, बाय इक्वल टू एम एक्स, एम की तो वैल्यू अभी निकलेगी, ए की वैल्यू अभी डाल दो रूट 5 बाय एम, और थोड़ा सा रीराइट कर दो तो ठीक है बाद में रीराइट कर ले, कोई इक्वेशन 1 हमने सर्कल को ले लिया
पैराबोला की इक्वेशन को बेशक टू लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ये थ्री नंबर बोल। अब ये पैराबोला को टच करने लग गई, आप इसे सर्कल को टच करा दो। सर्कल को टच कराने के लिए एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी सर्कल की होती है, लेकिन सर्कल के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ये वाली, क्या? परपेंडिकुलर सीपी इक्वल टू रेडियस सीपी। सेंटर देखिए, आपके सर्कल का सेंटर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका सेंटर है ओरिजिन जीरो जीरो, और उसकी रेडियस स्क्वायर है फाइव बाई टू, रेडियस इसकी है रूट फाइव बाई टू। तो इस लाइन को टच कराना है, ये लाइन नंबर थ्री हम यहां पे दोबारा लिख देते, एम एक्स माइनस बाय प्लस रूट फाइव बाई एम इक्वल टू जीरो। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द लाइन मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी, अंडर रूट फाइव बाय टू, क्योंकि ये रेडियस स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये रेडियस स्क्वायर है, तो रेडियस कितनी हो गई, स्क्वायर रूट फाइव बाय टू। तो जब आप परपेंडिकुलर ओपी इक्वल टू रूट फाइव बाई टू करोगे तो उससे एम की वैल्यू आ जाएगी, और एम की वैल्यू यहां पुट कर दो या थ्री में पुट कर दो तो टेंजेंट आ जाएगी, तो कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। ये पैराबोला को तो ऑलरेडी टच कर रही है, सर्कल को अब टच करेगी, सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बेस्ट कंडीशन है ये, परपेंडिकुलर ओपी इक्वल टू रेडियस ओपी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल की और भी है, ये भी है, ये भी हम अप्लाई कर सकते थे, जैसी एलिप्स में थी, एल एक्स प्लस एम वाय प्लस एन इक्वल टू जीरो, टचेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर इफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जैसी इलिप्स में कंडीशन लगाई थी, हम ये कंडीशन लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन परपेंडिकुलर ओपी इक्वल टू रेडियस ओपी से सर्कल का क्वेश्चन हो जाता है, पर एलिप्स हाइपरबोला और पैराबोला का क्वेश्चन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के साथ ही होता है। कोई डाउट पूछ लो बेटे। सो बी यूज परपेंडिकुलर ओपी इक्वल टू रेडियस ओपी, सर्कल की बेस्ट कंडीशन है। ओके, सर्कल ये वाला ना भी हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कोई जनरल सर्कल हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, फिर भी ये कंडीशन उसमें अप्लाई हो जाती है। तो परपेंडिकुलर ओपी निकालो, रिप्लेस एक्स बाय जीरो वाई बाय जीरो प्लस स्क्वायर रूट फाइव बाई एम बाय अंडर द रूट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दैट कोफिशियंट ऑफ बाई स्क्वायर ऑफ दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फाइव बाय टू। अब इसको इक्वेशन को लेके आगे चलते जाओगे आपको एम की वैल्यू मिलेगी, एम की वैल्यू जब थ्री में पुट करोगे तो टेंजेंट मिलेगी, उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे रीड कर सकते हो, स्टेटमेंटों को रीड करोगे और तो ट्रू फॉल्स बताओगे उसके बाद, यही है ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू रूट फाइव बाय, ये एम जो है इसके पास आ जाएगा, थर्ड स्टेज वाला है ना, एम रूट एम स्क्वायर प्लस वन रूट फाइव बाय रूट टू, रूट फाइव से रूट फाइव डिलीट हो गया, स्क्वायरिंग करिए दिस इज इक्वल टू दिस हो गया, स्क्वायरिंग करें तो एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू, एम फोर प्लस एम स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, एम फोर टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस टू, फैक्टर वैक्टर थोड़े से कर लिए जाए, वैसे फैक्टर डायरेक्ट करने वाले डायरेक्ट करते हैं, मैं एज ए टीचर हमें तो बताने होते हैं ना, डायरेक्ट उसके फैक्टर हो जाते हैं डायरेक्ट, तो एम स्क्वायर प्लस टू इंटू एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर प्लस टू तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि एम स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नेवर पॉजिटिव, इसलिए एम स्क्वायर माइनस वन जीरो और एम की वैल्यू प्लस माइनस वन डबल वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू को
इक्वेशन नंबर थ्री में जाके पुट करते हैं, थ्री में तो टेंजेंट आ जाएगी, फिर क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो थ्री इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट फाइव बाय एम, एम की वैल्यू प्लस माइनस वन इधर आई हुई है यहाँ पे, ये देखो ये वैल्यू इधर पुट कर दो तो y इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस माइनस रूट फाइव, ये क्या आ गई कॉमन टेंजेंट आ गई है। ठीक, अब आप देखिए कि स्टेटमेंट नंबर वन, एन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दीज कर्व्स इज दिस, बिल्कुल सही, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन यही आई हुई है वहां y इक्वल टू एक्स प्लस रूट फाइव, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू आ गई। अब रही सेकेंड स्टेटमेंट, इफ दिस लाइन, यही लाइन आपकी थी वो, ये लाइन अभी सामने लिखी इक्वेशन थ्री में ये, तो इफ दिस लाइन इज देयर कॉमन टेंजेंट देन m सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब की बार ये कह रहे हैं देन m, ये वाला अगर कॉमन टेंजेंट है तो m सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब देखते हैं वो जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी कोई और आई थी, तो वो इक्वेशन आपने m में जो जनरेट की थी वो इक्वेशन ये थी, ये वाली स्टार नंबर, m सेटिस्फाइज दिस, कॉमन टेंजेंट के केस में m सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। लेकिन ये तो m4 प्लस m स्क्वायर माइनस टू, ये दूसरी इक्वेशन है m4 माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, क्या आपका m इसे सेटिस्फाई करता है? उसे तो आपका m इसे तो जरूर सेटिस्फाई करता है, m पता है कितना आया हुआ है प्लस माइनस वन, या यूं कहिए m स्क्वायर की वैल्यू वन आई हुई है, तो m स्क्वायर की वैल्यू वन इसे तो सेटिस्फाई करती है, m स्क्वायर को वन लिखो यहां, वन प्लस वन माइनस टू इक्वल टू जीरो ट्रू, क्या m स्क्वायर इक्वल टू वन इसे भी सेटिस्फाई करता है? वो इक्वेशन तो दूसरी आ गई, पिछले वाले क्वेश्चन में सेम आई थी, m स्क्वायर इक्वल टू वन इसमें लिखेंगे तो ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा, इसका मतलब m सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन इज ट्रू। हालांकि ये इक्वेशन अलग आई इस बार, ये इक्वेशन अलग है, ये जो स्टार है ना वही इनको यहां लिखना चाहिए था, पर इन्होंने क्लेवरनेस कर ली, चालाकी कर ली, दूसरी इक्वेशन लिख दी, लेकिन जो m आया हुआ है तो दैट m रियली सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, इक्वेशन अलग है लेकिन m सेट, इनका तो स्टेटमेंट यही है कि इफ दिस लाइन इज कॉमन टेंजेंट देन m सेटिस्फाइज दिस, तो m इसे सेटिस्फाई तो बिल्कुल करता है, तो इसके रूट चाहे अलग भी हो थोड़े बहुत लेकिन m इसे सेटिस्फाई करता है, ये बात सही है, m स्क्वायर इक्वल टू वन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो इसलिए इसे ट्रू ही बोला जाएगा। हालांकि ये इक्वेशन अलग है, इनको वही इक्वेशन देनी चाहिए थी, पर इसने था थोड़े स्मार्ट निकल गए, उन्होंने इक्वेशन बदल दी जिससे बच्चा इसे फॉल्स लिख दे, तो हम फॉल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहचान लिया कि m जो भी m आया वो इसे सेटिस्फाई करता है, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब कोई डाउट हो पूछो बेटे। एक्सक्यूज मी सर, बेटा सर जहाँ पर हमने m की वैल्यू निकाली है, हाँ जी हाँ जी सर, वहाँ पे हमने ये m स्क्वायर प्लस टू नॉट इक्वल टू जीरो वो कैसे किया? m स्क्वायर प्लस टू को अगर जीरो करते हो तो m स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस टू, तो m इमेजिनरी आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस टू कभी नहीं हो सकता, m की वैल्यू लिख के देखो ना आप, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो रिजेक्टेड, एक बार और भी रिजेक्ट किया था पिछले वाले में आपने नहीं पूछा, m स्क्वायर की वैल्यू माइनस टू कभी नहीं हो सकती, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, जैसे माइनस फाइव है स्क्वायर करो तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता, माइनस सिक्स का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 36, तो किसी भी प्रॉपर नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, पर m इमेजिनरी तो है नहीं,
एम तो रियल नंबर है क्योंकि टेंजेंट हमारी रियल है। और कुछ पूछना बेटा? नो सर, थैंक यू। सो वी ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक तो ये इसमें कर रहे थे, तो वी विल बी ट्राई नेक्स्ट नाउ। एक सेकेंड रुकना। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू निकल गई, ये भी ट्रू और वो भी ट्रू। अच्छा, ये 2014 का क्वेश्चन, काफी बड़ा सा लिखा है साइज में। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स ऑन एनी टेंजेंट टू इट। क्या पूछ दिया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस पूछ दिया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहां से बनना चाहिए? इट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स ऑन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स इटसेल्फ। तो इलिप्स को आप थोड़ा रीराइट करो, इलिप्स को रीराइट करें एक्स स्क्वायर बाय सिक्स प्लस थ्री बाय स्क्वायर बाय सिक्स बाय स्क्वायर बाय टू इक्वल टू वन। इलिप्स आपका रीराइट हो गया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इलिप्स का सेंटर ओ जीरो जीरो, सेंटर ओरिजिन है, सेंटर इज ऑलवेज ओरिजिन फॉर यू इन जनरल। कोई पर्टिकुलर बात हो तो, अभी तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इसका तो सेंटर ओरिजिन होता ही होता है। और आगे कहता है एनी टेंजेंट, तो एनी टेंजेंट आप यहां पर ड्रा करोगे ओ से, इस एनी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ओ से जो परपेंडिकुलर है वो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर फॉल होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये सर्कल नहीं है, ये इलिप्स है। तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आप ड्रा करोगे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे आना जरूरी नहीं होता। मैं नोइंगली उधर बना रहा हूं, थोड़ा उधर दूर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका ये है, यहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस मांग रहा है। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स ऑन एनी टेंजेंट। अब एनी टेंजेंट की बात, एनी टेंजेंट वो होती है जो पैरामेट्रिक पॉइंट पर निकाली जाती है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स मैंने बताई थी, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा बाय इक्वल टू बी साइन थीटा, उसी को एनी टेंजेंट कहते हैं। किसी भी पैरामेट्रिक पॉइंट पर टेंजेंट निकाल दो, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, तो उसे ही एनी टेंजेंट कहते हैं। तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होगा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। पैरामेट्रिक पॉइंट ये स्टैंडर्ड पॉइंट होता है एलिप्स का, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। एक मिनट, हाँ, तो पैरामेट्रिक पॉइंट कहीं भी एनी, ये वाला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसे पी रख दो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एफ रख दो। तो इस पी पॉइंट को ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा कहते हैं जनरल में। पैरामेट्रिक पॉइंट है, एनी पॉइंट है, ये एनी पॉइंट ऑफ एलिप्स है। तब एनी पॉइंट पर जब टेंजेंट निकालोगे तो एनी टेंजेंट निकलेगी। तो ए की वैल्यू कितनी है? रूट सिक्स। बी की वैल्यू रूट टू। ये हुआ एनी पॉइंट, जिसे एनी पॉइंट कहते हैं, वो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको बताई थी, एक्स कॉमा एक्स इज ए कॉस थीटा बाय इक्वल टू बी साइन थीटा। तो ये एनी पॉइंट हो गया, और एनी पॉइंट पर टेंजेंट लिखिए। टेंजेंट कैसे लिखेंगे? एक्स एक्स वन एक्स इंटू रूट सिक्स कॉस थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस बाय बाय वन रूट टू साइन थीटा बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये है एनी टेंजेंट। एनी पॉइंट पर जो टेंजेंट लिखोगे वो एनी टेंजेंट होती है। एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस बाय बाय वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। टेंजेंट लिखने का तरीका मैंने सिखाया, एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाय एक्स एक्स वन बाय स्क्वायर रिप्लेस बाय 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 वन। तो ऐसे करने से टेंजेंट एट ए पॉइंट आ जाती, जब पॉइंट मस्ट बी ऑन द कर्व तब आ जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने मांगा लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एफ का लोकस मांग दिया, एफ का लोकस मांगा।
तो पुट अप ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स, सेंटर ऑफ द इलिप्स ऑन एनी टेंजेंट। तो अब सिचुएशन सामने बन गई, अब आपकी ड्यूटी क्या है, आपके सामने टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, आप ट्राई करके ओ एफ की इक्वेशन निकाल लो। ओ एफ की इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन में से ये जो थीटा दिखता है ये एलिमिनेट कर दोगे तो रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन विल बी द लोकस ऑफ एफ, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओ एफ एंड टेंजेंट। कि टेंजेंट की इक्वेशन और ओ एफ की इक्वेशन में से ये पैरामीटर जब हटा दोगे तो उसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस कहते हैं, अपने आप आ जाता है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। अब नो आपकी ड्यूटी है ओ एफ की इक्वेशन निकालो, ओ एफ की इक्वेशन में से और ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आई पड़ी है ये, इन दोनों में से हम थीटा को किसी तरह रिमूव कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और रेक्टिफाई कर देता हूं। एक्स कॉस थीटा रूट सिक्स और सिक्स का बैलेंस हुआ रूट सिक्स, फिर बाय साइन थीटा बाय रूट टू इक्वल टू वन। थोड़ा सा और मतलब सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा ठीक हो गया। और सिंप्लीफाई कर दो रूट सिक्स का मल्टीप्लाई करके, तो इक्वेशन बहुत अच्छी ही दिखाई पड़ जाए। एक्स कॉस थीटा प्लस रूट सिक्स मल्टीप्लाई किया रूट थ्री बाय साइन थीटा इक्वल टू रूट सिक्स। ये लीजिए, ये टेंजेंट की इक्वेशन आपकी तैयार है। टेंजेंट की हेल्प से आप ओ एफ का इक्वेशन जनरेट करिए। ओ एफ इक्वेशन के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। ये ओरिजिन, ओरिजिन एक पॉइंट पहले से पता, ओ एफ क्या एक लाइन है, लाइन का एक पॉइंट ओरिजिन पहले से पता है, तो उस लाइन ओ एफ का स्लोप और निकाल लो, तो स्लोप मिलेगा इक्वेशन टू से। इक्वेशन नंबर टू से स्लोप अरेंज करता हूं, पहले आप स्लोप ऑफ टू अरेंज कर लो, दैट इज माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, ये हो गया टू का स्लोप। अब आप ओ एफ का स्लोप अरेंज कर लो, क्यों, ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ ओ एफ के लिए, एम ऑफ ओ एफ के लिए क्या करना है, नेगेटिव इनवर्स करना है इसका, तो रूट थ्री साइन थीटा बाय कॉस थीटा, स्लोप ऑफ ओ एफ तैयार हो गया। स्लोप ऑफ ओ एफ होने से इक्वेशन ऑफ ओ एफ के लिए हम लोग रेडी हो गए। तो इक्वेशन ऑफ ओ एफ इज बाय माइनस बाय वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फार्मूला है। अब बाय वन क्या है, जीरो ओरिजिन, एम यही लिखा पड़ा है रूट थ्री साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस जीरो, ठीक है। अब आपके पास थीटा एलिमिनेट करना टू, और ये नई इक्वेशन बन गई, इससे आपको थीटा एलिमिनेट करके देना है। तो थीटा एलिमिनेट करने के लिए तरीके तो कई सारे होते ही है कभी कभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहां से टेन थीटा निकल आएगा, टेन थीटा की वैल्यू इक्वेशन टू में यूज कर देंगे, तो आंसर यहाँ टेन थीटा रेडी है आपका, बिल्कुल ठीक है, और ये ठीक पड़ जाएगा हमें। तो देखिए ऐसे करता हूं, वाई ठीक है रूट थ्री एक्स का डिवीजन लगा दो तो दैट इज इक्वल टू साइन बाय कॉस टेन थीटा, टेन थीटा आ गया, टेन थीटा की वैल्यू को यहां यूज कर दो। अब वहां टेन थीटा है नहीं, वहां साइन कॉस है, तो कोई बात नहीं, इस टेन थीटा से ट्राइंगल बना लो, साइन कॉस निकाल लेंगे परपेंडिकुलर, और ये बेस रहा, हाइपोटेनस कैन बी फाउंड वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, इससे अब साइन थीटा भी आ गया बाय अपॉन दिस, कॉस थीटा भी आ गया रूट थ्री एक्स अपॉन दैट, वो वहां टू में फुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस आ जाएगा। कभी भी आपको दो कर्व्स के इंटरसेक्शन का लोकस निकालना हो, सारी ज्योमेट्री का रूल है, टू कर्व्स के इंटरसेक्शन का लोकस निकालना, जैसे आप क्या है इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, कौन से कर्व, टेंजेंट और इलिप्स, तो टेंजेंट
और इलिप्स के इंटरसेक्शन का ये लोकस निकालना है, मतलब सॉरी ओएफ और टेंजेंट का इंटरसेक्शन है, ये इलिप्स का नहीं है, ओएफ और टेंजेंट का इंटरसेक्शन है। तो आप ओएफ और टेंजेंट में से थीटा एलिमिनेट कर दो तो रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन विल बी लोकस ऑफ है। ठीक है, तो अभी आप ये टेंजेंट और ये ओएफ की इक्वेशन नंबर 3, टेंजेंट में से और 3 में से थीटा रिमूव करोगे तो अपने आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस आएगा। तो वो देखिए यहां पर आने लग गया, लोकस ऑफ एच एज दिस, उस 2 को लिखो, 2 को लिखिए और इसको यूज करते जाना, एज एक्स कॉस थीटा एज बेस बाय हाइपोटेनस रूट 3x बाय रूट वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस रूट 3 वाई साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बाय अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू रूट 6, इक्वेशन 2 लिख डालिए अपने। अब इसको थोड़ा रिपेयर कर लो, तो रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 3 वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर देखिए रूट 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है न्यूमरेटर आपका, एंड डिनोमिनेटर इज अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड इज रूट 6, रूट 3 टू जा रूट 6, ये डिलीट करके या रूट 2 लिख दीजिए, शिफ्टिंग करके और स्क्वायरिंग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और इसका जो स्क्वायर करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन्होंने आंसर इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं आपको आंसर्स दिखाता हूं। ये देखिए ए बी सी डी आंसर चारों दिख रहे हैं और जो हमने आंसर दिया है वो भी दिख रहा है। एक सेकंड रुकना और अच्छा कर देता हूं। ये देखिए ये आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, 6x स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर उन्होंने लिख रखा है, थोड़ा सा फर्क कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही। अब आप पूछ लो बेटा कोई डाउट, मैंने तो काफी एक्सप्लेन करने की ट्राई की। नो सर नो डाउट। कभी भी 2 कर्व्स के इंटरसेक्शन का लोकस निकालना, तो उनके बीच में अगर पैरामीटर आया हुआ तो पैरामीटर उसको एलिमिनेट करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आ जाता है सारी ज्योमेट्री में। तो यहां पर OF और टेंजेंट के बीच से थीटा एलिमिनेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या आया, एफ का लोकस आया। वैसे लोकस के लिए एफ को जैसे x1 y1 एक्सेट्रा अज्यूम भी करते हैं, वो अज्यूम करोगे तो भी ये होगा, वो तो उस थोड़ा लेंदी प्रोसीजर पड़ जाएगा, और अगर ये पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है तब तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को लो x1 y1 ही अज्यूम करना है। अगर उसका लोकस चाहिए तो जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसको x1 y1 अज्यूम करते हैं, इसमें अज्यूम नहीं किया क्योंकि इसमें दूसरी फैसिलिटी थी क्वेश्चन में, नहीं कल को दूसरी जगह कहीं लोकस आएगा तो मैं x1 y1 अज्यूम क्यों करूंगा, तब आप कंफ्यूज नहीं होना। x1 y1 यहाँ पे अज्यूम नहीं किया, अज्यूम करके हम कर भी सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन ये इजी पड़ता है, वो x1 y1 एक्स्ट्रा वर्क पड़ जाता है। लेकिन जब थीटा पैरामीटर दोनों इक्वेशंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा उस टाइम अगर आपको लोकस निकालना है तो उसको पॉइंट को x1 y1 लेकर चलना पड़ता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 का ये क्वेश्चन, तब तक रीड करिए आप, इसको हटा देता हूं पहले वाले पेज को। और लेट ओ बी द वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। पैराबोला आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ये अपवर्ड पैराबोला, इस पैटर्न का पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से अगर कंपेयर किया जाए तो 4a की वैल्यू 8 और 1 की वैल्यू 2,
तो कहता है ओ इज द वर्टेक्स, ठीक है ओ वर्टेक्स तो होता ही है ओरिजिन, क्यों इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, क्यों इज एनी पॉइंट, यस क्यों, यहां पे कहीं भी रख लो, ये एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट का मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट, और जो आपका स्टैंडर्ड पैराबोला उसका तो पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है फर्स्ट वाले का, जो अपना पैराबोला होता है ये वाला, ये इसका तो एनी पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 सभी लोगों को याद होता है और पुट कर देते हैं, लेकिन ये जो अभी वर्टिकल पैराबोला इसका पैरामेट्रिक पॉइंट याद करने में नहीं होता, मतलब हम याद नहीं कराते, स्टूडेंट को याद नहीं कराता कोई टीचर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं माना जाता, फर्स्ट पैराबोला के एक ही 80 स्क्वायर कॉमा 280 याद कराते हैं, इलिप्स का ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा याद करा देते हैं, हाइपरबोला का ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा याद करा देते हैं, लेकिन इसमें तो दूसरा पैराबोला है तो इसका एनी पॉइंट कहां से आएगा, जब भी आपको अननोन कर्व के एनी पॉइंट की जरूरत पड़े तो उसका भी तरीका अपने पास है, ये जो कर्व दिख रहा है ये, इसमें अगर एक्स को टी लिख दोगे तो वाई आ जाएगा टी स्क्वायर बाई एट, तो वो पैरामेट्रिक पॉइंट बन जाएगा अपने आप, या वाई को टी लिख दोगे तो एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट एट टी, वो भी चल जाएगा, ठीक है हाँ अच्छा, तो इसमें एक्स को आप टी लिख दीजिए, इधर देखो एक्स को टी लिख दिया तो वाई कोऑर्डिनेट अपने आप आएगा टी स्क्वायर बाई एट, तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट एनी पॉइंट बन गया, ये अननोन कर्व का एनी पॉइंट बनाना आपने सीख लिया, एक्स की कोई वैल्यू डाल दो पैरामेट्रिक टी में थीटा में कोई वैल्यू डाल दो और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ थीटा पता करके लिख दो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जैसे एक्स को मान लो साइन थीटा लिखते हो तो वाई आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई एट और वो सही है, लेकिन अगर टी से काम चल जाए तो अच्छा थीटा फिर साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री कर जाते हैं, तो इसलिए ये इजी वाला पैरामेट्रिक पॉइंट, अच्छा पैरामेट्रिक पॉइंट यूनिक नहीं होता, आपने डिस्कशन में जान लिया होगा कि हमने दो पैरामेट्रिक पॉइंट बता दिए, मैंने बोला एक्स को साइन थीटा लिख दो तो बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई एट आ जाएगा, तो वो भी पैरामेट्रिक पॉइंट होगा, दैट मीन्स पैरामेट्रिक पॉइंट्स आर नॉट यूनिक, एक्स की वैल्यू रूट टी या लिख दो रूट टी, जो एक्स की वैल्यू रूट टी लिखोगे तो वाई आ जाएगा टी बाई एट और वो भी पैरामेट्रिक पॉइंट होगा, वो भी एनी पॉइंट होगा, मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट्स यूनिक नहीं होते, फिर भी इलिप्स का जो पैरामेट्रिक पॉइंट ए सेक थीटा इज कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा जो मैंने सिखाया वही याद किया जाए, वही यूज करना है एवरी टाइम, इलिप्स का हाइपरबोले का ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा वही यूज करना, पैराबोला का 80 स्क्वायर कॉमा 280 वही यूज करना, लेकिन ये यूनिक नहीं है, पैरामेट्रिक इक्वेशन इज नॉट यूनिक, वो हम लोग चाहें तो उसको बदल सकते हैं, ठीक है बेटा, जैसे यहीं पर एक्स अभी है ना इसे माइनस टी लिख दो, माइनस टी एक्स को माइनस टी लिख दो तो वाई इज स्टिल टी स्क्वायर बाई फोर ए, तो टी स्क्वायर बाई एट वो भी पैरामेट्रिक पॉइंट है, यहां पर माइनस टी लिख दो कॉमा टी स्क्वायर बाई एट दैट इज ऑल्सो पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ सेम पैराबोला, ओके आप क्वेश्चन को रीड करें, लेट ओ बी द वर्टेक्स, क्यों इज एनी पॉइंट होता तो पैरामेट्रिक ही पॉइंट है, अब पैरामेट्रिक पॉइंट खुद यूनिक नहीं होता तो कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, अज्यूम कर लिया इफ द पॉइंट पी डिवाइड्स द सेगमेंट ओ क्यू, अच्छा सेगमेंट ओ क्यू ये रहा सेगमेंट ओ क्यू, इसे कौन डिवाइड करता है पी पॉइंट, पी डिवाइड सेगमेंट ओ क्यू इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:3 के रेशियो में ये पी इसको डिवाइड करता है, लोकस ऑफ पी डिमांडेड बाय द क्वेश्चन, पी का लोकस मांग दिया, अब पी टू कर्व्स का इंटरसेक्शन इस केस में नहीं, इसलिए जिसका लोकस मांगा उस पॉइंट को एक्स वन वाई वन अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि P इज नॉट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, जब टू कर्व्स का एक कर्व ये है एक कर्व ये है इसका इंटरसेक्शन P हो तो दोनों कर्व्स का
पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल के उनमें से पैरामीटर रिमूव कर दो तो पी का लोकस आ जाता है। वो सिचुएशन यहां नहीं है। फिर क्या करना, जिसका लोकस निकालने जा रहे हैं उसे एक्स वन बाई वन अज्यूम करना है। तो सेकेंड मेथड है। और अगर अगर कर्व्स कट कर रहे हो तो दोनों कर्व्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर आपको पता है तो उनमें से पैरामीटर को एलिमिनेट कर दें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आ जाता है। हियर पी नॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, इसलिए इसे एक्स वन बाई वन लीजिए। और एक्स वन बाई वन आपने अज्यूम किया लेकिन वही एक्स वन बाई वन ये सेक्शन फार्मूले से भी आएगा तो वो भी निकालो, फिर कंपेयर करके देखता हूं। इधर देखो जीरो जीरो सेक्शन फार्मूले से करिए, वन इंटू टी प्लस थ्री इंटू जीरो बाय वन प्लस थ्री फोर हो गया। आगे चलो वन इंटू टी स्क्वायर बाई एट, वन इंटू टी स्क्वायर बाय एट प्लस थ्री इंटू जीरो बाय वन प्लस थ्री फोर, ये हो गया टी बाय फोर टी स्क्वायर बाय थर्टी टू। एक्स वन यू कैन सी टी बाय फोर, वाई वन यू कैन ऑब्जर्व टी स्क्वायर बाय थर्टी टू। टी की वैल्यू यहां से निकाल के आप पुट कर दो तो एक्स वन वाई वन में एक रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन में सफिक्स वन को ड्रॉप कर दोगे तो लोकस आ जाएगा। ठीक, टी की वैल्यू फोर एक्स वन यहां पर पुट कर दी जाए तो y1 इज इक्वल टू 16 एक्स वन स्क्वायर बाय 32। सो 2y1 इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर, ड्रॉप द सफिक्स टू गेट द लोकस ऑफ p। p आपने x1 y1 लिया था, सफिक्स ड्रॉप करते ही वो अर्बिट्रेरी हो जाएगा p पॉइंट। अर्बिट्रेरी तो पहले से ही था, हमने x1 y1 ले लिया था, हम एक्स वाई भी ले सकते थे, एक्स वाई लेते तो ये डायरेक्ट आ जाता, पर एक्स वाई ना कहीं क्लैश कर रहे थे कई जगह पर, तो इसलिए हमने एक्स वाई अज्यूम नहीं किया, एक्स वन बाई वन लिया। तो लोकस ऑफ एक्स वन बाई वन इज ऑब्टेंड बाय ड्रॉपिंग द सफिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू बाय, एंड दैट कैन वेरी मच बी सीन हियर एज आंसर। बेटे डाउट पूछ लो। ठीक है, ये है, एक और कर देता हूं पासिंग में। ये क्वेश्चन है 2016 का, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। आपसे ई डिमांड रख दी, ई चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हुज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 8। हाइपरबोले का एलआर कितना होता है बेटे, एलआर ऑफ हाइपरबोला बाय फार्मूला, यस 2b स्क्वायर बाय a दैट इज 8। इसको हमने बंद दे दिया और अपना टारगेट पता हमें ही निकालना। एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, ध्यान दो कंजुगेट एक्सिस हाइपरबोला की जो कंजुगेट एक्सिस है ना 2b होती है और वो ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होती है, तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। फोकाई के बीच की डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हो, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकस टू फोकस डिस्टेंस बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। तो इन्होंने बोला कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकस टू फोकस। ये देखो हाइपरबोला की पोजीशन होती है ऐसी, फोकस इसकी हाइपरबोला की होती है यहां पर, फोकस ए जीरो होती है, ए जीरो, ए जीरो का मतलब है ओरिजिन से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी होती है ए ई, और इधर दूसरी फोकस होती है माइनस ए जीरो, इधर भी ये लेंथ ए ही हो गई ओरिजिन से यहां तक और ए ही उधर हो गई, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई टू ए ही बन गई।
ठीक है ना, ऐसे ही पता लगाते हैं। कोई नई चीज आ जाए ना तो कंसेप्ट में जाके उस चीज का पता कर लेते हैं। जैसे अभी यार डिस्टेंस बिटवीन फुकाई लिख दिया, ये बोल देता है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेज, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां पर होती है इस जगह पर एक्स इक्वल टू ए बाई ई, ओरिजिन से उसकी ए बाई ई डिस्टेंस है, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स यहां होती है एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेज हो जानी थी टू ए बाई ई। तो ऐसे खुद पता करना होता है, मतलब सारी चीजें रट्टे ने लगाई जाती है, खुद कंसेप्ट से पता करना पड़ेगा आपको। ओके, वो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अब हमने यहां तो बता दी और ट्रिक बता दी, लेकिन हर चीज याद तो नहीं कराते, वो तो बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग ही काम करती है, प्रैक्टिस कर करके अंडरस्टैंडिंग आने लगती है। अच्छा स्क्वायरिंग करो बेटे, आपको ई निकालना है, तो ये जो ये अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो बी स्क्वायर का आपको फार्मूला आता है, ई गिविंग इक्वेशन आती है, ई गिविंग इक्वेशन अप्लाई कर देना तो आगे चलते हैं, अटकेंगे तब इस एल आर को यूज करेंगे। इन्होंने एल आर भी दिया हुआ है, ये एल आर दिया हुआ, पर हमारी इक्वेशन तो बहुत अच्छी है, टू बी इक्वल टू ए ई, टू बी इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो इसमें हमें ई गिविंग इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, फोर बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू हाइपरबोले में कितनी है बेटे, ई गिविंग इक्वेशन के हिसाब से इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। यस यस, ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल हो गया, तो ये देखो ई में इक्वेशन आ गई है, अकेले ई दे देगा, फोर ई स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ई स्क्वायर, फोर ई स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो ई की वैल्यू आई टू बाय रूट थ्री, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड प्लस माइनस नहीं लगाना, तो ई टू बाय रूट थ्री जो कि ऑप्शन सी में दिखता है, और आंसर आ गया। क्या आपने नोटिस किया कि इक्वेशन वन अनयूज्ड रहेगी, है ना, इक्वेशन वन अनयूज्ड रहेगी, ये जो पेपर सेटर था अपना 2016, ये उन पेपर सेटर ने कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा लिख दिया, इसका जरूरत नहीं था, या तो अनोइंगली मतलब गलती से लिख गए, मतलब देर आर एक्स्ट्रा कंडीशंस इन द क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन इसको बोलते हैं ओवर डिटरमिंड क्वेश्चन, इसमें मतलब मोर कंडीशंस देन रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में जितनी कंडीशन हमें चाहिए उससे कंडीशन ज्यादा दी हुई है, तो वो मतलब उन्होंने नोइंगली कंफ्यूज करने के लिए लिखा, या अनोइंगली गलती हुई है उनसे, वो तो नहीं कह सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उसके बिना सोल्यूशन, उसको यूज करके भी हो जाता है, लेकिन हमें यूज क्यों करें उसके बिना सोल्यूशन हमारा उतरा और प्रॉपर हो रहा है। उन्होंने शायद सोच नहीं पाया कि ई गिविंग इक्वेशन से कोई बच्चा क्वेश्चन को कर डालेगा, हम इनको बी इक्वल टू हाफ ए और इसे यूज करके भी कर सकते हैं, वो फिर वो उसको तो जबरदस्ती यूज करने वाली बात है, अदरवाइज नेचुरल सोल्यूशन है ये इतना। ठीक है बेटा, तो आज आज यहीं पर रखूंगा, अगली बारी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आज आप छुट्टी कर सकते हो। ओके।